आज हम जानेंगे आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे पहला मैच किस दो टीम के बीच में हुआ था और सबसे पहला विकेट किस प्लेयर ने लिया था। हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बघेले और मेरे चैनल जी स्क्वायर पर आपका स्वागत है। यहाँ पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती है और मिलती रहेंगी, तो चलो बिना किसी देरी के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी आईपीएल का टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और आईपीएल के टूर्नामेंट को हमारे भारत देश में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि आईपीएल में सबसे पहली मैच किस दो टीम के बीच में खेली गई थी? तो चलो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच कोलकाता और बैंगलोर के बीच में खेला गया था और 2008 का आईपीएल का खिताब राजस्थान रॉयल ने अपने नाम किया था। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्रिकेट में मैच को जीताना जितना गेंदबाजों पर रहता है दोस्तों, उतना ही बल्लेबाजों पर। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे पहला विकेट किसने लिया था? तो चलो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे पहला विकेट जहीर खान ने सौरभ गांगुली को 10 रन पर आउट कर लिया था। अब आप कमेंट करके बताइए कि 2022 में कौन सी टीम विन हो सकती है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके मन में भी कोई सवाल होता है आप हमें पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर देंगे।